स्टूडेंट्स इसमें हम लोग समझेंगे कि वर्क का नेचर कैसे होगा, जैसे पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो कब होगा। पॉजिटिव नेगेटिव का होने का मतलब ये नहीं है कि ये डायरेक्शन के वजह से पॉजिटिव हो रहा है या नेगेटिव हो रहा है। जैसे डिस्प्लेसमेंट में पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलोंग होता तो प्लस ले लेते थे, नेगेटिव एक्स एक्सिस के अलोंग तो नेगेटिव ले लेते थे। बट यहाँ पर पॉजिटिव नेगेटिव का होने का मतलब है कि आप किसी सिस्टम पर वर्क एनर्जी दे रहे हो या उस सिस्टम से एनर्जी ले रहे हो। जैसे अगर तुम्हारा दोस्त बाइसाइकिल लेके चल रहा है और उस पर तुम फोर्स उसी डायरेक्शन में लगा रहे हो जिस डायरेक्शन में साइकिल जा रहा है, तो उसकी स्पीड बढ़ती है तो आप पॉजिटिव वर्क कर रहे हो। लेकिन अगर वो जा रहा है आगे और फोर्स लगा रहे हो आप पीछे, तो उस केस में क्या होता है, वर्क निगेटिव होता है, क्योंकि आपका फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल 180 डिग्री हो जाता है, तो उसकी एनर्जी घटती है, एनर्जी घटती है। तो यहाँ पर एनर्जी सिस्टम को दे रहे हो तो पॉजिटिव और ले रहे हो तो निगेटिव। तो यहाँ पर समझे कि यहाँ पर फोर्स जो है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल थीटा जो है वो लेस देन 90 डिग्री, ये थीटा लेस देन 90 डिग्री है इसमें। अगर थीटा लेस देन 90 डिग्री तो एफ एस कॉस थीटा होता है, तो एफ मैग्नीट्यूड लेते हैं तो एफ भी पॉजिटिव, डिस्प्लेसमेंट भी पॉजिटिव, और कॉस थीटा पॉजिटिव निगेटिव हो सकता है, इट डिपेंड्स ऑन थीटा। तो अगर थीटा 0 से 90 डिग्री होता है तो कॉस का वैल्यू पॉजिटिव होता है, और 90 से 180 के बीच में कॉस क्या हो जाता है, निगेटिव हो जाता है। सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस निगेटिव हो जाता है, तो वहां पर जो है वर्क जो होगा पॉजिटिव होगा निगेटिव होगा, वो डिपेंड करेगा कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल कितना है। अगर एक्विट एंगल है यानी थीटा 0 से 90 डिग्री के बीच में तो पॉजिटिव होगा, अगर थीटा 90 से 180 के बीच में है तो वर्क निगेटिव हो जाएगा। जैसे यहाँ पर देखिए, ये पर्सन जो है इसको उठा रहा है, इस डम्बल को उठा रहा है, तो ये जो है फोर्स ऊपर लगा रहा है और डिस्प्लेसमेंट भी ऊपर हो रहा है, तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक ही डायरेक्शन में, तो वर्क पॉजिटिव हो रहा है। उसको उठा रहा है तो उसमें एनर्जी स्टोर हो रही है, दैट इज पोटेंशियल एनर्जी, आप लोग बाद में पढ़ेंगे। तो जो भी पर्सन ने वर्क किया वो एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होगी। यहाँ ये पर्सन जो है इस तरह से फोर्स लगा रहा है इस डायरेक्शन, और इसका डिस्प्लेसमेंट भी इधर ही है, तो दोनों के बीच का एंगल 0 डिग्री है, और इस पर पॉजिटिव वर्क हो रहा है, इस पर पॉजिटिव हो रहा है, क्योंकि जिस पॉइंट पर फोर्स लग रहा है उसका डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। अब नेक्स्ट है कि ये निगेटिव वर्क, निगेटिव वर्क क्या होगा स्टूडेंट्स, अगर थीटा जो है लेस ग्रेटर देन 180 डिग्री है, अगर थीटा का वैल्यू ग्रेटर देन सॉरी 90 डिग्री एंड इन बिटवीन 80 180 डिग्री, तो 90 और 80 के बीच में जो भी वर्क होगा वो हो जाएगा पॉजिटिव, और वर्क सॉरी निगेटिव, क्योंकि कॉस थीटा निगेटिव हो जाएगा। तो यहाँ पर देखे ये जो है पर्सन जो है अगर नीचे ले आएगा तो फोर्स तो ऊपर लगा रहा है, बट डिस्प्लेसमेंट नीचे होगा तो वर्क निगेटिव हो जाएगा। यहाँ पर देखिए ये पर्सन फोर्स लगा रहा है तो ये पॉजिटिव वर्क कर रहा है पर्सन, बट फ्रिक्शन क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, तो फ्रिक्शन इधर फोर्स लगा रहा है और डिस्प्लेसमेंट इधर, तो फ्रिक्शन का वर्क डन क्या हो जाएगा, निगेटिव होगा, ये काइनेटिक फ्रिक्शन होगा बिकॉज ऑब्जेक्ट इज स्लाइडिंग ओवर सरफेस। नेक्स्ट है जीरो वर्क डन, यहाँ पर देखे स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर जीरो वर्क डन कब होता है, जीरो वर्क डन तब होगा स्टूडेंट्स जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल कितना हो जाए, 90 डिग्री हो जाए। अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल 90 डिग्री होता तो वर्क जीरो हो जाता है। जैसे कुल्ली जो है अपने सर पर जो है कुछ लेके जा रहा है, ऐसे सर पर कुछ लेके जा रहा है कुल्ली ये, तो यहाँ पर क्या होगा, फोर्स तो ऊपर लग रहा होगा बट डिस्प्लेसमेंट राइटवर्ड हो रहा, तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल 90 डिग्री होगा, कॉस 90 जीरो होता है तो वर्क हो जाएगा निगेटिव, है ना। साइकिल से चल रहे हो, ए बॉडी मूव्स विद सर्कल, वर्क डन बाय सेंट्रिपिटल फोर्स इज जीरो। तो अगर कोई सेंट्रिपिटल फोर्स है जैसे सर्कल में घूम रहा है, तो इस पर जो है फोर्स इधर लगता है सेंट्रिपिटल फोर्स, और डिस्प्लेसमेंट इधर होता है, दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री। किसी भी पॉइंट पर देखोगे तो फोर्स इधर लगेगा, डिस्प्लेसमेंट इधर है, यहाँ पर देखोगे तो फोर्स लगेगा सेंटर की तरफ, डिस्प्लेसमेंट इधर, दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री है, तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल 90 डिग्री, तो वर्क हमेशा सेंट्रिपिटल फोर्स का जीरो हो जाएगा बिकॉज दे आर परपेंडिकुलर टू। तीसरा केस ये हो गया कि फोर्स लग तो रहा है बट डिस्प्लेसमेंट इन, लाइक व्हेन यू आर पुशिंग ए वॉल देन देयर इज नो डिस्प्लेसमेंट इन वॉल, बट यू आर अप्लाइंग फोर्स, देयर इज नो डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, देन वी विल से दैट देयर इज नो वॉल।